गौतम ने शालिन को बताया दोषी। घर के नियम तोड़ने पर बिग बॉस ने किया शालिन को 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट। जी हां, टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 के घर में हुए धक्कम धक्की में गौतम ने बताया शालिन को दोषी। घर के नियम तोड़ने पर बिग बॉस ने शालिन को दिया दंड, किया 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट, बताया जब तक घर में रहेंगे तब तक नहीं बन पाएंगे कैप्टन। जी हां, दरअसल बीते रात कैप्टनसी टास्क के दौरान शालिन और अर्चना के बीच हुआ धक्कम धक्की, जिस दौरान घर वाले हुए शालिन के खिलाफ, बताया शालिन को दोषी, जिससे घर वालों की बातें सुनकर बिग बॉस ने गौतम पर सौंपी एक जिम्मेदारी, बताया कि क्या उनके हिसाब से शालिन है दोषी या फिर वो है इनोसेंट, जिससे घर वालों की बातें सुनकर गौतम ने शालिन को दोषी बताया। हालांकि शालिन घर के नियम भी तोड़ते नजर आए, कभी माइक उतारा तो कभी गार्डन में सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण बिग बॉस ने कैप्टन गौतम की बातों को ध्यान में रखते हुए शालिन को दंड दिया या 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट। तो वही बताया कि जब तक शालिन घर में रहेंगे तब तक अभी नहीं बन पाएंगे कैप्टन, जिससे शालिन रोए फूट फूट कर। टीना और सौंदर्य ने दिया शालिन को हौसला। बिग बॉस 16 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।